बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस टुडे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी सेंट्रिपिटल फोर्स, देन वी विल सी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड देन वी विल नोट डाउन द एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स, फॉर एग्जांपल बैंकिंग ऑफ रोड्स, वर्किंग ऑफ ड्रायर मशीन, ऑफ वर्किंग ऑफ ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन, एंड देन वी विल सी द प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्रीम स्प्रेडर, एंड वी विल ऑल्सो सी इफ देर वुड बी एनी यू नो रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो यू आर सपोज टू लिसन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक केयरफुली, सो दैट देर वुड बी नो प्रॉब्लम फॉर यू इन योर एग्जाम्स। नाउ वी हैव टू सी द सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये भी आप कह सकते हैं बेटे, बात ये है कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है ना, तो उसको एक्चुअली सेंटर से एक फोर्स मिल रही होती है, जिसको हम सेंट्रीपिटल कहते हैं, जो बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। ठीक है, अगर ये फोर्स नहीं होगी तो बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में कभी भी मूव नहीं कर सकता। ये डायग्राम के अंदर आप सारी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आप देखते हैं कि ये जो बॉडी सर्कुलर पाथ में जो भी मूव कर रहा है, जैसे कि रोलर कोस्टर है, और ये जो एक स्पिनिंग अ बॉल है यानी सर्कुलर पाथ के अंदर, फिर प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग अराउंड द सन है जिस तरह से, तो ये सारे टर्निंग आकार है, तो ये सारा आप देखते हैं कि इनको जो फोर्स मिल रही है ना, वो सेंट्रिपिटल फोर्स मिल रही है, जिसकी वजह से ये इस पाथ के अंदर मूव कर रहे हैं। तो याद रखिए, सेंट्रिपिटल फोर्स अगर नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ में कभी भी मूव नहीं करेगा। नाउ वी हैव टू सी द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। लेट अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड वी इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। द एक्सेलरेशन ए सी प्रोड्यूस बाय द सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी इज गिवन बाय सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ए सी। मीन कि हम सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को ए सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इक्वल किसके होगा, ए सी इज इक्वल्स टू वी स्केयर ओवर आर। नाउ वी विल सी दैट सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ए सी इज इक्वल्स टू वी स्केयर ओवर आर। The acceleration produced by the centripetal force is always directed towards the center of circle, right? और इसको हम कहते हैं centripetal acceleration। यानी जब centripetal force लगती है, जो body को circular path में move करवाती है, और उसकी जो direction होती है वो center के circle की तरफ होती है, तो जो acceleration produce करती है ना centripetal force, उस acceleration को हम centripetal acceleration कहेंगे, और इसकी direction भी circle के center की तरफ होगी। According to Newton's second law of motion, the centripetal force Fc is given by, mean हमारे पास formula है ना, F is equals to ma, तो यहाँ पे force centripetal force और acceleration जो है वो centripetal acceleration है, इसलिए हम लिखेंगे Fc is equals to mac। Now we will further see Fc is equals to mac and Fc is equals to m, because ac was equals to v square over r, so formula of centripetal force will become Fc is equals to mv square over r, where F is the centripetal force, mean Fc centripetal force hai, m is the mass, v is the speed, and r is the radius of the circle. This equation shows that the centripetal force needed by a body moving in a circle depends on the mass m of the body, square of its velocity, and reciprocal to the radius of the सर्कल। ये रेसिप्रोकल है, ये मतलब इसका क्या रिलेशन है कि अगर तो रेडियस ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी सर्कल बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बात समझ आ रही है, बहुत बड़ा सर्कल होगा तो उसका रेडियस भी डेफिनेटली ज़्यादा होगा। अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स फिर कम लगेगी, तो फिर उस लिहाज से जो है ना, इसके इफेक्ट जो है वो सेंट्रिपिटल फोर्स का वो कम होगा। अगर सर्कल छोटा है तो उसका रेडियस कम होगा, तो फिर सेंट्रिपिटल फोर्स का इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। ये मतलब होता है रेसिप्रोकल का। Now we will see that Fc is equals to mv square over r and centripetal force always acts perpendicular to the motion of the body. बेटा ये बात आपने याद रखनी है कि centripetal force हमेशा perpendicular होती है किसके, जो motion होती है body की, ठीक है। अब मैं कुछ important points आपको बता रही हूँ, वो आपने हमेशा याद रखनी है कि if the mass of body is doubled then centripetal force will also become doubled, यानी उनका direct relation है। If the velocity of body is doubled then centripetal force will become four time, यानी कि अगर उसकी velocity का चूँकि square है, ठीक है, तो अगर आप उसको ही डबल कर देंगे तो फिर सेंट्रिपिटल फोर्स फोर टाइम हो जाएगी। और इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज डबल देन सेंट्रिपिटल फोर्स विल रिड्यूस टू वन हाफ। वो जो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स कम होगी, और अगर कम होगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स ज़्यादा होगी। नाउ वी हैव टू सी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एक्चुअली द रिएक्शन ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। यानी याद रखना है कि सेंट्रिपिटल फोर्स तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है ना, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसका रिवर्स है, उसका ऑपोजिट है, उसका रिएक्शन है, वो उसको सर्कल से बाहर की तरफ मूव करवाती है।
So a force which pulls the body outward during the circular motion is called centrifugal force. Now we will see that centrifugal force is equal in magnitude and opposite in direction to the centripetal force. It is the reaction of the centripetal force. Now we will see the differences between centripetal and centrifugal force. So centrifugal force, if an object moving in a circle and experiences an outward force, then this force is called the centrifugal force. The object has the direction along the center of the circle from the center approaching the object, and its example is mud flying of a tire is one example of the centrifugal force. अब देखते हैं जब टायर जो रोटेट कर रहा होता है तो वो जो मड उड़ रही होती है, वो कीचड़ या वो जो मट्टी वगैरह होती है उड़ रही होती है जिस डायरेक्शन में, वो उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. Centripetal force, if the object travels in a uniform speed in a circular path, is called centripetal force. The object has the direction along the center of the circle from the object approaching the center. And a satellite orbiting a planet is an example of the centripetal force. ये बेटा आपने डायग्राम भी देखी है, ये तमाम एग्जाम्पल्स उसके अंदर ऑलरेडी दी हुई है. अच्छा जी बेटा, अब हमने एग्जांपल्स के साथ साथ हमने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखनी है सेंट्रिपिटल फोर्स की. सो फर्स्ट उसकी एप्लीकेशन है, वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स. बैंकिंग को आपने बैंक को ही, वह बैंक के साथ नहीं आपने कंफ्यूज होना कि जहाँ से हम पैसे जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, चेक लेते देते हैं, वो नहीं. बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब है कि इसके अंदर हम अपना जो रोड होती है ना, आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है, उसका आउटर एज जो हमने थोड़ा सा ऊँचा किया हुआ था, उसको रेज किया होता है. क्यों किया होता है? उसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है. So banking of roads is defined as the phenomena in which the edges are raised for the curved roads. यानी वो जो circular path वाले रास्ते ना, मुड़े हुए रास्ते, उनके अंदर above the inner edge to provide the necessary centripetal force to the vehicle so that they take a safe turn. The angle at which the vehicle is inclined is defined as the bank एंगल. यानी जो जहाँ पे मोड़ आ रहा होता है ना, और वो दायरे के अंदर होते हैं रास्ते, या जैसे आपने देखा है कई जगहों पे कि हमने टर्न करना है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि वो जो आउटर एज होता है ना, जो बाहर वाला किनारा होता है रोड का, हम उसको थोड़ा सा ऊंचा बनाते हैं. उससे ये होता है कि उसको जो सेंट्रिपेटल है, उसको सेंट्रिपेटल फोर्स जो है वो मिल रही होती है. ठीक है, तो आपने इसको याद रखना. Now we have to see the purposes of banking of roads. कि हम banking of road करते किस लिए हैं, बनाते कैसे किस लिए हैं. Banking of road is done to provide the necessary centripetal force for circular motion. ठीक है. To reduce wear and tear of tires during friction, due to friction, to avoid skidding and to avoid overturning of vehicles. वो जैसे स्किडिंग के केस में हमने देखा था ना कि व्हील्स जो हैं वो रोटेट करना बंद कर देते हैं, स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे गाड़ी स्लिप हो जाती है. ठीक है, ये आपको डायग्राम में भी एक गाड़ी जो है वो उल्टी हुई, वो ट्रक है वो उल्टा हुआ नज़र आ रहा है ना, वो देखे ना सर्कुलर पाथ है जहाँ से मोड़ काटना है. तो इन चीज़ों को जो है ना वो अवॉइड करने के लिए, बचने के लिए, हम जो आउटर एज है वो उसको थोड़ा सा ऊँचा बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड. और ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी, सेंट्रिपेटल फोर्स की. We have to see the working of washing machine, of dryer of washing machine. ठीक है, जो dryer machine होती है ना, उसकी working देखनी है. कहते हैं the dryer of washing machine is basket spinners. They have a perforated ball having large numbers of fine holes in the cylindrical rotor. ठीक है, ये आपको diagram के अंदर, या घर में आप spinner जो machine होती है ना, इसमें कपड़े सुखाते हैं बेटे, उसको आप खोल के देख सकते हैं, उसके अंदर holes बने हुए होते हैं. ठीक है, the lid of the cylindrical container is closed after putting wet cloths in it. उसके वो ये lid है, ढक्कन को हम बंद कर देते हैं. When it spins at high speed, the water from wet cloths comes out with a force through these holes due to lack of centripetal force. यानी वो पानी जो है वो बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसकी, सेंट्रिपिटल फोर्स की. Now we have to see the structure and you know working principle of cream separator. Most modern plants use a separator to control fat contents of various products. A separator is a high speed spinner. It acts on the same principle of centrifuge machine. The bowl spins at very high speed, causing the heavier contents of milk to move outward in the bowl, pushing the lighter contents inward towards the spinning axis. यानी वो देखें, वो जो क्रीम है या जो बटर है वो उससे अलग हो जाता है. ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे, सेंट्रीफ्यूज के प्रिंसिपल पे ये काम करती है. Now we will see that cream or butter fat is lighter than other components in milk. Therefore, skimmed milk, which is denser than cream, is collected at the outer wall of the bowl.
द लाइटर पार्ट क्रीम इज पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड थ्रू अ पाइप. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रीम सेपरेटर. किस तरीके से वो हम जो आपकी बटर है या जो आपकी फैट है उसको हम किस तरीके से दूध से अलग कर लेते हैं, जिसको हम स्किम मिल्क कहते हैं. स्किम मिल्क कौन सा होता है जिसके अंदर से तमाम फैट निकली हुई होती है. ठीक है. अच्छा जी, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैपन इफ ऑल फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर्स. कहते हैं खुदा ना खौस्ता अगर तमाम फ्रिक्शन एकदम गायब हो जाए तो फिर क्या होगा. तो इसका आंसर है इफ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपीयर्स देन बॉडीज कांट बी मूव एंड कांट बी टर्न एंड इवन नॉट चेंज इट्स स्टेट. यानी ना वो मूव कर सकेंगे ना टर्न कर सकेंगे और ना ही उसकी स्टेट में कोई चेंज होगा. इवन वी कैन नॉट वॉक विदाउट फ्रिक्शन. ये मैंने आपके इसके एडवांटेजेस में तब भी बताया था कि हम फ्रिक्शन के बगैर मूव ही नहीं कर सकते, हम स्लिप हो जाएंगे. वी वुड कीप स्लाइडिंग यानी हम स्लाइड करते जाएंगे. ठीक है. नथिंग वुड बी स्टेडी ऑन द ग्राउंड. कुछ भी सही तरह से नहीं होगा. वी कैन नॉट होल्ड एनी थिंग. किसी भी चीज़ को हम पकड़ नहीं सकते. वी कैन नॉट टर्न अ पेज. पेज को भी टर्न नहीं कर सकते. एंड कैन नॉट राइट विद द पेन. ये आपको सब उसके एडवांटेजेस में बताया था. कहते हैं एवरी थिंग विल कोलैप्स इफ देयर वुड बी नो फ्रिक्शन. कहते हैं हर चीज़ आपस में टकरा जाएगी, बिल्कुल निज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा अगर फ्रिक्शन नहीं होगी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू टेक द रिव्यू ऑफ द टॉपिक विच वी हैव डिस्कस. वी हैव डिस्कस सेंट्रिपिटल फोर्स विद दैट फोर्स ड्यू टू विच अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट्स रिएक्शन सेंट्रिफ्यूगल फोर्स दैट फोर्स विच यू नो ड्यू टू विच अ बॉडी मूव्स आउटवर्ड. यानी वो फोर्स जो कि उसका रिएक्शन है सेंट्रिपिटल फोर्स का और इसकी वजह से बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ से हट के मूव करना चाहता है, सर्कल से बाहर की तरफ. फिर हमने इसकी एप्लीकेशन देखी है, बैंकिंग ऑफ रोड देखा है, वर्किंग ऑफ ड्रायर ऑफ वॉशिंग मशीन देखा है, क्रीम सेपरेटर देखा है. फिर हमने एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया है. आपने इनको अच्छे तरीके से देखना है, समझना है और पेपर की अच्छी तैयारी करनी है. ओके स्टूडेंट्स, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स एंड नाउ आई एम क्वाइट होपफुल दैट यू विल वर्क हार्ड, यू विल प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम्स. मे अल्लाह अलमाइटी ब्लेस यू ऑल द टाइम ऑलवेज एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़.